अल्लाह रही वेलकम टू फाजर टू मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स असल स्टूडेंट्स क्लास सिक्स टूडे इज़ अवर टेंथ लेक्चर ऑफ कम्प्यूटर इन टूडेज़ लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज़ अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस किया था एल यू को जो कि है हमारे पास एल यू स्टैंड फ़ॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है आज हम उन ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है जब हम एक टास्क देते हैं प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को एक नमेरिक टास्क प्रोवाइड करने के बाद उस टास्क के ऊपर जो ए आर यू ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे स्टार्ट विद अर्थमेटिक ऑपरेशन द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फोर अर्थमेटिक ऑपरेशन हमारे पास यहाँ पर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन में हमारे पास दो ऑपरेशन की बात की गई एक अर्थोमेटिक ऑपरेशन एंड द सेकेंड वन इज लॉजिकल ऑपरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन के साथ और जिसमें हमारे पास फोर अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज़ किए जाते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन लॉजिकल ऑपरेशन द लॉजिकल ऑपरेशन एज अ नेम सजेस्ट परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन रिलेटेड टू कंपेरिजन्स कंपेरिजन से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो लॉजिकल ऑपरेशन में परफॉर्म किए जाते हैं द एल यू इज़ कैपेबल ऑफ कंप्यूटिंग ऑल द नमेरिक एंड अल्फा नुमेरिक करेक्टर्स ए एल यू रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी हमारे पास नंबर्स या अल्फ़ा नंबेरिक करेक्टर्स आते हैं उनके ऊपर जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं वो एल यू परफॉर्म करता है आफ्टर द कम्पेरिजन कंपेरिजन के बाद द कंप्यूटर टेक्स द रिक्वायर्ड एक्शन बेस्ड ऑन द रिज़ल्ट ऑफ कंपेरिजन कंपेरिज़न का जो रिज़ल्ट होता है कंप्यूटर जो है वो आगे फर्दर उसको डिस्प्ले करने के लिए उसको आगे आउटपुट डिवाइस को प्रोवाइड करता है आफ़्टर कम्पेरिज़न मीन्स कंपेरिजन का जो भी रिजल्ट होता है वो फिर फर्दर आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले होता है लॉजिकल ऑपरेशन द ए एल यू कैन टेस्ट द फॉलोइंग लॉजिकल कंडीशंस ए एल यू जो है लॉजिकल कंडीशंस कुछ अप्लाई करता है बिटवीन वैल्यूज़ वैल्यूज़ के ऊपर डिफरेंट लॉजिकल कंडीशन अप्लाई करता है जिसमें फर्स्ट वन है इक्वल्स टू सेकेंड वन इज नॉट इक्वल्स टू थर्ड वन इज ग्रेटर देन द फोर्थ वन इज लेस देन फिफ्थ वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड दिक्कथ वन इज़ लेस देन और इक्वल्स टू अब हम इनको वन बाय वन जो है हम इनको डिस्कस करते हैं इक्वल टू कंडीशन इन दिस ऑपरेशन डिटरमाइंस वेदर द टू वैल्यूज आर इक्वल टू इच अदर ये जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशन में हम जो इक्ल टू कंडीशन की बात करें हैं इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास टू वैल्यूज़ हैं क्या वो एक दूसरे से इक्वल हैं टूअल स्ट्रेट इफ़ द नंबर ऑफ व्यूवर्स इन सैनेमा हॉल आर इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन इट द हॉल इज़ फुल अब इस एक टू कंडीशन को एक्सप्लन करने के लिए एलस्ट्रेट करने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक हमारे पास हॉल है और उस हॉल में हमारे पास कुछ नंबर ऑफ़ सीट्स हैं और हमने उसको चेक करना है कि जो नंबर ऑफ़ वीवर्स आए हैं जिन्होंने मूवी देखनी है क्या नंबर ऑफ वीवर्स जो हैं वो इक्वल्स टू हैं नंबर ऑफ़ सीट्स इन हॉल अगर तो हमारे पास नंबर ऑफ़ वीवर्स भी सिक्सटी हैं और हमारे पास जो नंबर ऑफ सीट्स भी हॉल में सिक्सटी हैं तो सिक्सटी इक्वल्स टू सिक्सटी विच मीन्स द हॉल इज़ फुल तो ये इक्वल्स टू कंडीशन हमारी का मतलब ये होता है कि जब दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल्स हों और जिसमें हमने ये देखा है कि नंबर ऑफ़ वीवर्स अगर इक्वल है नंबर ऑफ़ सीट्स के तो उसका मतलब ये है कि हॉल इज़ फुल नॉट इक्वल टू कंडीशन दिस ऑपरेशन डिटरमाइंस वेदर वन वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू द अदर वैल्यू इस ऑपरेशन में हम ये चेक करते हैं कि जो वन वैल्यू है वो अदर वैल्यूज से इक्वल नहीं है टूअल स्ट्रेट इफ़ द नंबर ऑफ व्यूवर्स इन अ सिनेमा हॉल आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन इट द हॉल स्टिल हैज अपेयर कैपेसिटी इट्स नॉट फुल अब नॉट इक्वल कंडीशन में हम ये बात करते हैं कि जो हमारे पास टू वैल्यूज हैं वो आपस में इक्वल नहीं है इसी तरह हम अभी हमने बात की थी सिनेमा हॉल की जिसमें नंबर ऑफ़ वीवर्स हमने बात की थी इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ सीट्स होंगे तो वो हॉल इज़ फुल होगा तो अब जो हमारे पास कंडीशन आई है वो नोट इक्वल्स टू आई है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ वीअर्स हैं वो इक्वल्स टू नहीं है नंबर ऑफ सीट्स के जिसकी वजह से हॉल जो है वो अभी भी स्टिल उसके अंदर कैपेसिटी है और हॉल अभी फुल नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर ऑफ़ वीवर्स जो मूवी देखने आए हैं वो फिफ्टी हैं और जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं हॉल में वो सिक्सटी हैं तो फिफ्टी इज़ नॉट इक्वल्स टू सिक्सटी तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है नॉट इक्वल्स टू कंडीशन की एक और एग्जाम्पल देखते हैं टू एलिस्ट्रेट इफ़ द हाइट ऑफ अ पर्सन इज़ नॉट इक्वल्स टू फोर फीट ही विल नॉट बी एलिजिबल टू ड्राइव अ कार एक और एग्ज़ाम्पल में हमें बता रहे हैं कि अगर एक पर्सन की हाइट फोर फीट नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं होगा कार ड्राइव करने के लिए सो ही इज नॉट एलिजिबल टू ड्राइव अ कार नेक्स्ट कंडीशन इज ग्रेटर वन वैल्यू इज ग्रेटर अदर वैल्यू इस ऑपरेशन में हम ये देखते हैं कि एक वैल्यू जो होती है वो दूसरी वैल्यू से बड़ी होती है ग्रेटर होती है टू एलिस्ट्रेट इफ द एज ऑफ चाइल्ड इज ग्रेटर दैन ट्वेल्व ईयर ही इज अलाउड टू वॉच अ मूवी अगर एक बच्चा है उसकी एज बारह साल से ज़्यादा है तो इसका मतलब यह है कि वो मूवी देख सकता है लेस देन कंडीशन दिस ऑपरेशन डिटरमाइंस वेदर वन वैल्यू इज़ लेस देन द अदर वैल्यू इस ऑपरेशन में हम ये देखते हैं कि जो जो वन वैल्यू होती है वो दूसरी वैल्यू से लेस देन होती है मतलब एक वैल्यू जो है वो दूसरी वैल्यू से कम होती है टू स्ट्रेट इफ़ द हाइट ऑफ अ पर्सन इज लेस देन फोर फीट ही इज़ नॉट एलिजिबल टू ड्राइव अ कार अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है लेस देन कंडीशन में इसमें एक पर्सन है उसकी हाइट अगर फोर फीट से कम है तो इसका मतलब यह है कि वो एलिजिबल नहीं है वो ड्राइव नहीं कर सकता कार को ग्रेटर देन और इक्वल टू कंडीशन या हमारे पास इसमें दो कंडीशन आ जाती हैं एक हमारे पास ग्रेटर देन ऑपरेशन कंडीशन आ जाती है और एक हमारे पास इक्वल्स टू कंडीशन आ जाती है दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इसको हम जो है आगे फॉलो करेंगे दिस ऑपरेशन डिटरमाइंस बेथर वन वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द अदर वैल्यू इस ऑपरेशन में हम ये देखते हैं कि एक वैल्यू या तो दूसरी वैल्यू से ग्रेटर देन हो सकती है या उसके इक्वल्स टू हो सकती है तो इसमें हमारे पास दो कंडीशन आ गई टू अलस्ट्रेट इफ द हाइट ऑफ अ पर्सन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू फोर फीट ही इज एलिजिबल टू ड्राइव अ कार इस एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे कि अगर एक पर्सन की हाइट जो है वो फोर फीट से ज़्यादा है या फोर फीट के इक्वल है तो वो पर्सन जो है वो कार को ड्राइव कर सकता है लेस देन और इक्व टू कंडीशन दिस ऑपरेशन डिटरमाइंस वेदर वन वैल्यू इज़ लेस देन और इक्व टू अदर वैल्यू इस ऑपरेशन में हम ये देखते हैं कि जो वन वैल्यू है वो अदर वैल्यू से या तो लेस देन होगी या इक्वल्स टू होगी उसके इक्वल होगी टू लिस्ट्रेट इफ़ द एज ऑफ अ चाइल्ड इज लेस देन और इक्वल टू इलेवन ईयर ही इज़ नॉट अलाउड टू वॉच अ मूवी अब एक बच्चा है उसकी एज अगर ग्यारह साल है या ग्यारह साल के से कम है तो वह बच्चा मूवी नहीं देख सकता कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट ऑफ़ माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल्स एंड डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि माइक्रोप्रोसेसर जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं उसके टू पार्ट्स होते हैं एक हमने पढ़ा था एलयू एल एंड लॉजिकल यूनिट और जिसके हमने देखा है कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो है कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है और माइक्रोप्रोसेसर का जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पास कंट्रोल यूनिट है तो माइक्रोप्रोसेसर का जो कंट्रोल यूनिट है वो तमाम कंप्यूटर सिस्टम के इंटायर ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है ऑर्डरिंग इनपुट डिवाइस टू फीड डाटा इन टू स्टोरेज यूनिट टेलिंग ए एल यू वॉट टू डू वन सम डाटा इज रिसीव्ड एंड सेंडिंग फाइनल रिजल्ट नॉट इंटरमीडिएट वंस टू द आउटपुट डिवाइस आर आल मेजर रोल्स परफॉर्म बाय द कंट्रोल यूनिट अब कंट्रोल यूनिट जो कंप्यूटर सिस्टम की इंटायर सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है वो इनपुट डिवाइस को क्या करेगा ऑर्डर करेगा कि वो डेटा जो है जो उसके पास इनपुट डिवाइस के पास जो डाटा रिसीव हुआ है वो डाटा जो है आगे स्टोरेज यूनिट को ट्रांसफ़र करे और देन ए एल यू का ये ऑर्डर करेगा कि वो जब डेटा रिसीव हो जाए तो उस डेटा के ऊपर सम टास्क परफॉर्म करे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करे और उसके बाद जो फ़ाइनल रिजल्ट है वो आउटपुट डिवाइस को डिस्प्ले करे इंटरमीडिएट वंस का मतलब ये है कि जो दरम्यना रिज़ल्ट आया वो नहीं जो हमारे पास एक फ़ाइनल रिज़ल्ट आया है वो आउटपुट डिवाइस पर रिज़ल्ट करे डिस्प्ले करे, ये तमाम काम हमारा कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करता है मीन्स के इनपुट डिवाइस जो है वो डाटा स्टोरेज यूनिट को प्रोवाइड करती है एल यू उस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करती है देन जो फाइनल रिजल्ट है वो आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले हो रहा है तो ये तमाम काम हमारा कौन कंट्रोल कर रहा है कंट्रोल यूनिट वेन अ प्रोग्राम इज़ एक्ज़ीक्यूटिड द कंट्रोल यूनिट गेट्स द इंस्ट्रक्शन फ्राम द प्रोग्राम स्टोर इन रैम एंड आफ्टर इंटरप्रेटिंग दोज इंस्ट्रक्शन कमांड द ए एल यू टू एग्जीक्यूट दैम अब हमारा जो कंप्यूटर है मेजर कंट्रोल यूनिट है जब एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है उस टाइम कंट्रोल यूनिट रैम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं एक प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं वो कंट्रोल यूनिट उन इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करने के बाद वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो आगे प्रोवाइड करता है एल को एल को कमांड देता है कि वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करे, किस तरह की सीक्वेंस के साथ वो हमारा कंट्रोल यूनिट गाइड करता है हमारा ए एल यू को स्टूडेंट्स फॉर योर होमवर्क एक्टिविटी यू हैव टू राइट क्वेश्चन व्हाट इज़ कंट्रोल यूनिट ऑन योर नोटबुक जो क्वेश्चन हमने आज ये कंट्रोल यूनिट को आज जो हमने डिस्कस किया है यही आपने आंसर जो है कंट्रोल यूनिट का आंसर आपने अपनी नोटबुक पर लिखना है दैन कश्चन कंपेयर एनी फोर कंडीशन ऑफ द कंपेरिजन ऑपरेशन ये इसमें जो हमने आज कंपेरिजन ऑपरेशन पढ़े हैं जो लॉजिकल ऑपरेशन पढ़े हैं उनमें से कोई से भी फोर कंडीशन जो हैं वो आपने अपनी नोटबुक पर राइट करनी है आई होप यू अंडरस्टेंड द लेक्चर स्टूडेंट रिवाइज दिस लेक्चर एंड आल्सो राइट दिस टू कोश्चन्स ऑन योर नोटबुक थैंक यू हैव अ नाइस डे